सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। राजधानी दिल्ली के राजघाट स्थित बापू की समाधि पर आज सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लेंगे भाग। संसद का बजट सत्र आरंभ होने से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्यवाही का सुचारू संचार सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक बुलाई है। 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक 1 फरवरी को होगी। 6 फरवरी को प्रदेश सरकार पेश कर सकती है बजट। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 फरवरी को राज्यसभा सीटों के लिए होगा मतदान। और नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ईडी का समन। पटना में स्थित दफ्तर में आज पेश होने को कहा। कल ईडी ने लालू यादव से की थी पूछताछ। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर भूटान के निर्वाचित प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को हर स्तर पर नियंत्रित रखने के दिए निर्देश। कहा इसके लिए अयोध्या के सभी प्रमुख स्तरों पर रास्तों पर बेहतर भीड़ प्रबंधन पर नजर आना चाहिए। राम मंदिर के सभी प्रवेश व निकास द्वारों पर सुरक्षा की दृष्टि से AI बेस्ड कैमरे स्थापित किए जाएंगे। समन्वय समिति की बैठक में लिए गए फैसले में इसकी जिम्मेदारी LNDT को सौंपी गई है। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार श्रद्धालु का सैलाब रामलला के दर्शन को उमड़ रहा है। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिद्धार्थनगर महोत्सव का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया शुभारंभ। महोत्सव में भजन संध्या में स्वाति मिश्रा ने दी प्रस्तुति, तो वहीं कैलाश खेर और भोजपुरी नाइट में अक्षरा सिंह ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा। ज्ञान भवि परिसर में मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वजूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने के बाद से उस जगह को सील कर दिया गया है। और ज्ञान भवि परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ का अधिकार दिए जाने के मामले में जिला न्यायालय में आज होनी है सुनवाई। जिलाधिकारी के सुपुर्दगी में है तहखाना। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर जारी विवाद पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा फिलहाल ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर लगी रोक नहीं हटाई जाएगी। RPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने राजधानी लखनऊ में की प्रेस वार्ता। कहा रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। और प्रदेश सरकार ने सोमवार की देर रात 19 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें 8 जिलों के DM भी शामिल हैं। इनमें से कई IAS अधिकारी एक ही स्थान पर 3 वर्ष की अवधि से तैनात थे। इन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया है। राजधानी लखनऊ में सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए AI कैमरों की मदद की है योजना। और अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापक युद्ध से किया इनकार। जॉर्डन में ड्रोन हमले में मारे गए 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुनासिब जवाब देने की बात कही। और मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर 31 जनवरी से दिखेगा। 1 फरवरी को पश्चिमी UP में तथा 5 फरवरी को राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। Under-19 विश्व कप के Super 6 में आज जीत के सिरहद पर सवार भारतीय टीम के सामने होगी न्यूजीलैंड की चुनौती। भारत ने सभी ग्रुप मुकाबलों में दर्ज की थी जीत।